हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य एक्स वाई जेड में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे ये कंपैरिजन वीडियो चल रहा है ट्यूबर और कटिंग का। आज 9 तारीख है। इसी सीरीज में ये हमारा अगला वीडियो है, तो देरी ना करते हुए चलिए छत पर चलते हैं। आज थोड़ा आने में देरी हो गया, तो ये हमारा पहला स्टैंड का है। ये एक, दो, इसमें तीन, चार, पांच, और छः, सात, और यहीं पे ये 8। हमारे जो ट्यूबर से जो पौधे हुए हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा है। ये हमारा दूसरा स्टैंड है, इसमें आज यहाँ पर एक खिला है, ये 2, 3। ये स्टैंड में, ये पौधा में अभी अभी शुरू हुआ है, ये पहला फूल खिला है। ये हमारा मेल फ्लावर है, इसके लिए यही जगह हमने छोड़ा है। अब ये तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में सिर्फ एक ही फ्लावर आज खिलने वाला है। आप देख सकते हैं पत्तों में कितना पानी है। आज बहुत बारिश हुआ है और भी होने वाला है। ये चौथा स्टैंड है, चौथे स्टैंड में एक भी नहीं है। ये मेल फ्लावर यहाँ पर खिला है। ये स्टैंड में सिर्फ मेल फ्लावर ही खिला है आज के लिए। और पांचवा स्टैंड, पांचवा स्टैंड में भी कुछ भी नहीं खिला है। ये सब जो नीचे झूल रहे हैं इनको अगर सहारा नहीं देंगे तो ये नहीं होगा, इसमें से और डेवलप शूट्स नहीं होगा और फूल भी ज़्यादा नहीं आएंगे। ये स्टैंड में भी बिल्कुल नहीं है, आज एक भी नहीं है। उसका भी कारण है क्योंकि ये जब कटिंग से लगाया था तो बहुत छोटे थे, इसीलिए हमने उसमें दो और फसल लेने के लिए बरबट्टी भी लगा दिया था। तो उसका तना हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कितना मोटा मोटा सब हो गया है। और देखिए ये हमारा है 6th स्टैंड, जो यहाँ पर लास्ट में मेल फ्लावर खिल गए हैं। सुबह तो हमने हार्वेस्टिंग वाला वीडियो में दिखाया था, पीछे वाला एक है इसमें और नहीं है। ये स्टैंड में भी, ये 6th स्टैंड है, ये स्टैंड में भी एक ही है। ये है सिर्फ एक ही है। तो हमारा चौथा और पांचवी स्टैंड में बिल्कुल भी नहीं है, 3rd स्टैंड और ये 6th स्टैंड में एक एक आज खिला है। तो फ्रेंड्स, आप सबने देख लिया कि जो हमारा ट्यूबर से ग्रो हुआ है जो प्लांट्स, वो प्लांट्स में ज्यादा फूल लगे हैं और जो प्लांट्स अभी कटिंग से लगे हैं उनमें ज़्यादा फूल नहीं है। इनका भी
एक रीजन हो सकता है, क्योंकि हमने ट्यूबर से जो जहाँ पर ग्रो हुआ है उसमें और कुछ नहीं दिया है, लेकिन जो कटिंग से ग्रो हुआ है उसमें हमने दो दो फसल ले ली है। बरबटी भी लगा दिया था, उड़िया में उसको झुड़ंगा बोलते हैं, वो भी बहुत बार हार्वेस्टिंग हो चुका है, अभी उसका पौधा भी निकल नहीं है। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है, और उसको फ्री छोड़ देंगे कि फूलने फलने के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।